आई लव यू। हाई गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो वंस अगेन। तो गाइज, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ही फिट एंड फाइन होंगे। और हमारा फ्री फायर के अंदर न्यू चीज न्यू एलिट पास आ चुका है, सीजन 39 राइट समथिंग वॉकर्स करके था, तो आ चुका है। और हम जाते हैं, देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि कैसा है, कैसा क्या क्या आ रहा है, ठीक है। और गाइस, यहाँ पे आप में से जो भी लोग देख रहे हो, फटाफट से अपना UID रख दो और मैं टॉप 5 लोगों को सेलेक्ट करूँगी रैंडमली, और उनको मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी डालूँगी कि किसको मिलेगा, उनका UID डाल दूँगी और आप लोगों को मैं एलिट पास दूँगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर सिम ओके, तो यहाँ पे आ चुका है हमार एलिट पास। तो चले गए हमारा सीजन 39 का एलिट पास देखते। मैंने वीडियो दिखाना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो क्या बोलते हैं, प्री ऑर्डर में मैंने देखा चुकी थी आप लोगों को। सो मैंने ऑलरेडी प्री ऑर्डर कर चुकी थी, तो मेरे को 50 तक का ऑलरेडी मिल चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या आया है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा सबसे पहले है क्लेम ना हो जा बस, और ये है हमारा क्या बोलते हैं इसका ग्रीन बेकल का स्किन। ओ भाई, नहीं चाहिए यार वीडियो। और ये है हमारा ग्रीन व्हीकल जो हमारे फ्री फायर के अंदर है, ग्रीन है नहीं ब्लू व्हीकल का स्किन। और ये मिलेगा, और इन सब को छोड़ो गाइस, 15 बैजेस अगर आप लोग बना लेते हो, जो भी आप लोग एलिट पास लेते हो, तब आप लोगों के लिए ये टॉप फीमेल के लिए। और ओपन रॉयल वाउचर है हमारा 20 बैजेज में। और जो भी आप लोग नॉन एलिट पास नहीं लेते हो उनके लिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एक टॉप मेल बंडल के लिए, मेल के लिए। एंड ये है हमारा डायमंड रॉयल वाउचर एट 40 बैजेज में। ऐसे ही करके हमारा फाइनली 50 बैजेज में, अगर आप लोग 50 बैजेज बना लोगे, तो जो भी आप लोग एलिट पास लोगे उनके लिए है यहाँ पे फीमेल बंडल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक एक करके दिखा देती हूँ इसका। एक क्या है ये मोको, देखो ना इसका आँख, देखो भाई पूरा लावा है इसके आँख के अंदर, लाइक भूतिनी जैसे दिख रही है। और ये है हमारा इसका हैड बहुत अच्छा है, हुआ है कितना मस्त है ना हैड, और बहुत अच्छा लगा मेरे को ये हैड। और ये है हमारा शूज फीमेल का, लड़की का आई मीन। ये हमारा स्कर्ट एंड ये है टॉप जहाँ पे लाबा आग का गोला है इसके छाती पर, एंड पीछे से पता नहीं ये क्या धुआं सा उड़ रहा है। और अगर 50 बैजेस आप लोग कलेक्ट कर लोगे तो 1 डायमंड रॉयल वाउचर जो भी आप लोग एलिट पास नहीं लोगे आप लोगों के लिए भी मिलेगा, तो मिलेगा गाइस। तो यहाँ पे मेरे बिल्ली मेरे को कुतुर कुतुर कर रही है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे हम जाते हैं 60 बैचेस में। अरे गाइस, ये बिल्ली लोग कितना तार बार कुतुर कुतुर करते रहते यार। 60 बैचेस में यहाँ पे है डायमंड रॉयल वाउचर अगेन। और 65 बैचेस में है EXP कार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है FF प्लेयर्स के लिए, अगर आपको आपका लेवल जल्दी बढ़ाना है तो। और ऐसे ही करके ये इसका तो काम चोरी इबो गन टोकन के ओके। तो ऐसे ही करके यहाँ पे एक हीलिंग गन का स्किन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारे पास एक हीलिंग गन का स्किन ऑलरेडी है ना, ये दूसरा है शायद फ्री फायर में। ये हमारा 80 बैजेस पे। और इसे करके वेपन रॉयल वाउचर है हमारा 90 बैजेस में। फाइनली हमें आता है एक बैग जो बिल्कुल ही खतरनाक है, आई मीन जो भी आप लोग मेल हो, लड़के लोग हो, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक फीमेल से, अच्छा मेरे हिसाब से, आई डोंट नो। तो लेवल 1 पे ऐसा दिखता है लाइटिंग, पता है हमारे जमाना में हुआ करता था लाइटिंग, मतलब हमारे गांव में बहुत होता था, हमारे घर में भी था, इसी लाइटिंग में बैठ के पढ़ाई करा करते थे, लाइटिंग है ये। आई डोंट नो गाइस, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, लाइटिंग बोलते थे, इधर लिखा है लैंटर्न तो हम लाइटिंग बोलते थे, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। और ये है ये हमारा है 100 बैचेज में ओके। ये मेल बंडल है और ये अच्छा है, मेरे को लेवल 1 बहुत अच्छा लगा बैग, लेवल 2 में और इसका ऊपर खोपड़ी निकल जाता है, और लेवल 3 में ये ऐसा दिखता है। तो मुझे लेवल 1 बहुत अच्छा लगा, बचपन से जुड़ा हुआ प्यार ऐसा, तो मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा, मैं तो यूज करने वाली हूँ ऑफकोर्स। और ऐसे ही करके और ये इसका क्या काम छोड़ो, यहाँ पे आप लोगों को फाइनली आता है परांग का स्किन जो
आपको मिलेगा 125 वेजेज कलेक्ट करने पे, और अच्छा ही है। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों का इमोट बहुत ज़रूरी है फ्री फायर वाले को, राइट? किसी को मारो, इमोट दिखाओ, ये करो, इमोट दिखाओ, इमोट से वीडियोस बनाओ, गर्लफ्रेंड को दिखाओ, लड़कियों को दिखाओ, लड़कों को दिखाओ, हैं इमोट, दुश्मनों को दिखाओ, ये देखो ये पागल सा इमोट। इस इमोट बहुत वायरल हुआ है गाइस टिकटॉक में, लाइक फ्री फायर के अंदर कुछ आत्मा आ गया है, फिर आत्मा कैसे मारता है करके, लाइक ये इमोट ऐसे 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 करता है ना, ये करके लाइक वन टैप मारते हैं। ये इमोट फाइनली आ चुका है इस एलिट पास में, जो है 140 बैजेज में। ये इमोट करके हेडशॉट मारने का चाहना मेरा भी है, किस किस का है बताना गाइस, ये टिकटॉक में बहुत वायरल हुआ है। तो 140 बैजेस में ये है, और यहाँ सब वोट है हमारा, लाइक विच वाली लाइक पहले भी आ चुका था लाइक ऐसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चमक डमक ज़्यादा है। और ये है हमारा 150 बैजेस में, और ये क्यूब फ्रैगमेंट अगर आप लोगों को चाहिए तो 170 बैजेस आप लोगों को कलेक्ट करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स एलिट पास लोगे तो ऑफकोर्स पूरा का पूरा 200 ही करोगे ना, तो ऐसे करके हमारे है डिस्काउंट कूपन एट 190 में। मैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर रही हूँ, सो नेवर माइंड। और ऐसे ही करके हमारा लूट बॉक्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पता नहीं ये क्या बोलते हैं चक्र घूम रहा है। और ये है हमारा 200 बैजेस पे, ओके 225 बैजेस में जाके फाइनली मेल बंडल है। आप लोग देख सकते हो कितना खतरनाक डरावना सा भद्दा सा बंडल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मेरे को इतना मोटा मोटा बंडल पसंद नहीं है फ्री फायर के अंदर, लाइक पतला सा बंडल लाइक जर्सी टाइप्स, और ऐसे बंडल में खेलना बहुत इजी लगता है, बल्कि मोटा मोटा बंडल में मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को कैसा लगता है, आपका राय है आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करना गाइस। एंड जो भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, सब्सक्राइब कर ले यार, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो टर्न ऑन करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। सुनता दीदी को ढेर सारे प्यार का जरूरत है गाइस, आप लोग प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं, ये हमारा टोपी नेपाली में बोले तो आई मीन हैड। और यहाँ पे देखो इसका लाइक पता नहीं इसका गिद्धी किसने खा उड़ा दिया, और गिद्धी से वहाँ पे आग ओलाबा बल रही है। और ये है हमारा मास्क, मास्क ओपी है, आप लोगों को कैसा लगा मास्क, खतरनाक है मास्क। और ये है हमारा शूज, ये है हमारा पैंट लटके के लिए, और ये है हमारा पता नहीं क्या बोलते इधर लगाने वाला, बॉडी में लगाने वाला। तो ये है गाइज इस एलिट पास, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि देखो देखो मेरे बिल्ली मेरे को तान रही है, आप लोगों को कैसा लगा इस पार का एलिट पास बताना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों क्लेम नहीं किया, रीज़न है गाइज इसके पीछे भी, क्या रीज़न है कि मेरे दोस्तों ने बोला है प्री ऑर्डर मत कर, बैज मत खरीद, और क्लेम मत करना क्योंकि लीडर बोर्ड में दिखता है। तो मेरे को भी उतना दिखाना अच्छा नहीं लगता है गाइस, तो मैं क्लेम नहीं करूँगी, लास्ट में जब ख़त्म होने वाला होते हैं तो जल्दी जल्दी क्लेम करके सब एक्सचेंज कर लूँगी, बाय गॉड मिस्टेक से मैं क्लेम ना करूँ। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में बोले थे बहुत बड़ा बड़ा आवाज़ आ रहा है, तो माइक को दूर रखा है मैंने, अब कैसा आवाज़ आया पता होगा गाइस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल दिल से, एंड अपना UID कमेंट करना मत भूलिएगा। 5 top 5 लोगों को मैं रैंडमली चूज करूँगी, एंड आप लोगों को एलिट पास का गिव अवे करूँगी, आई मीन आप लोगों को टॉप अप कर दूँगी। मेरे इंस्टा में फॉलो करना मत भूलना रिजल्ट के लिए, एंड फॉलो मी ऑन बी आल्सो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ सी ड्रीम, गुड मॉर्निंग, बाय।